दुनिया के एडवांस्ड फाइटर जेट्स के इंजन बनाने वाली कंपनी सैफरन ने भारत के सामने अपना अब तक का सबसे बड़ा प्रस्ताव रखा है। अगर ये डील होती है तो भारत फाइटर जेट्स खरीदते नहीं बल्कि बनाने की दिशा में बड़ा प्लेयर बन सकता है। फ्रांस की ये इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा प्लान लेकर आई है। हालांकि टीम मोदी को इस पर फाइनल मुहर लगानी है और जहां तक सूत्रों का कहना है तो ये प्रस्ताव यूं ही हवा में नहीं है। इसके लिए पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की केमिस्ट्री जिम्मेदार है। लिहाजा आपको बता दें कि अगर ये इंजन भारत में बनता है तो इससे क्या फायदे भारत को मिल सकते हैं और फ्रांस क्यों इतना बड़ा दिल दिखा रहा है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल खरीदे हैं, उनमें M88 इंजन लगा है। ये इंजन बहुराष्ट्रीय कंपनी सैफरन ही बनाती है। कंपनी को भारतीय बाजार में बड़ी संभावनाएं नजर आ रही हैं, लिहाजा वो भारत में प्रशिक्षण और रखरखाव पर $15 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। साथ ही भारत में ही लड़ाकू विमान का स्वदेशी इंजन बनाने के लिए मदद करने की पेशकश की है। ओलिवर एंड्री ने बताया है कि कंपनी ने DRDO को इससे जुड़ा प्रस्ताव भेज दिया है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भारत में कंपनी की सैन्य और नागरिक परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि सैफरन इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है। एंड्री ने बताया कि DRDO हमारी ओर से भेजे गए प्रस्ताव का अध्ययन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत में राफेल के इंजन बनाने का रास्ता खुल जाएगा। मिराज जेट विमान में सैफरन के बनाए M53 वेरिएंट के इंजन का इस्तेमाल होता है। अगर ये प्रस्ताव कारगर हुआ तो इससे मेक इन इंडिया को तेजी मिलेगी। भारत जेट विमान के इस इंजन को बनाकर निर्यात भी कर सकता है। राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना को पहला राफेल विमान मंगलवार को सौंपा गया था। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने भारत को राफेल सौंपे जाने के बाद कहा था कि हम मेक इन इंडिया नीति का समर्थन करेंगे, हमें भविष्य की बात करनी चाहिए। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान हासिल करने का मामला नहीं है बल्कि सैन्य साझेदारी को बेहतर करने का मुद्दा है। हम आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। फ्रांस और भारत के रक्षा मंत्री मंगलवार को दूसरे रक्षा संवाद के लिए मिले थे। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा भी की। यहाँ ये भी अध्ययन किया गया कि भारत में बनने वाले हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए स्वदेशी इंजन बनाने में सैफरन की मदद कैसे ली जा सकती है। भारत और फ्रांस अपने रक्षा संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को पहला फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल लंबे इंतजार के बाद मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को दशहरा पर शस्त्र पूजा करने के साथ ही दसां एविएशन कंपनी से पहले लड़ाकू विमान को हासिल किया। हालांकि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने में राफेल को अभी लंबा वक्त लगेगा। दरअसल अभी भारतीय वायुसेना के जवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत फ्रांस से कुल 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद रहा है।